गैस, अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि जो ये हमारा आई डिस्कस ब्लॉग है, इसमें हमारा जो स्लाइडर है वो दिक्कत प्रोड्यूस कर रहा था। क्या दिक्कत कर रहा था वो? कि यार इमेजेस बड़ी स्लो डाउनलोड हो रही थी, और मैं करूँगा क्या, इन इमेजेस को स्लो डाउनलोड करने से बचने के लिए मैं इनको सेव कर लूँगा। ठीक है, तो इनको सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने ये फोरम्स वाले फोल्डर में आ जाऊंगा इनको सेव करने के लिए। मैंने राइट क्लिक किया इस इमेज पर और सेव एज पे क्लिक किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया और मैं IMG के अंदर मैं स्लाइडर डैश वन के नाम से इसको सेव कर लूँगा, एंटर मार दूंगा। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो दूसरी इमेज है मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं कोई दूसरी डाउनलोड करूँगा, इसको मैं स्लाइडर टू बना लेता हूँ। तो मैं सेव इमेज एज करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्लाइडर टू, और यहाँ पर स्लाइडर टू लिख के मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैं सेव इमेज एज करूँगा, इसको मैं कार्ड वन कर दूंगा, और उसके बाद मैं कार्ड डैश वन करता हूँ इनफैक्ट इसको मैं, और इसके बाद इसको मैं कार्ड डैश टू कर दूंगा, कार्ड डैश टू, और इसके बाद इसको सेव इमेज एज करके कार्ड डैश थ्री, और इसके बाद यहाँ पर सेव इमेज एज करके कार्ड डैश फोर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कार्ड्स ले लिए और हमने बहुत सारी जो स्लाइडर इमेजेस थी वो भी ले ली। अगर मैं अभी इसको रिलोड करूँ तो नई इमेजेस हमारी डाउनलोड हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आऊँगा हेडर डॉट पी एच पी के अंदर, और इंडेक्स डॉट पी एच पी के अंदर है हमारा कराउजल, तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर जहाँ पर ये सोर्स अनस्प्लैश यूज़ कर रहा है, मैं कहूँगा देखो भैया जी ऐसा है IMG स्लैश और स्लाइडर वन स्लाइडर टू यूज़ कर लो, ये वाली इमेजेस यूज़ कर लो, स्लाइडर वन डॉट जे पी जी, और इसके बाद आ जाएगा स्लाइडर टू डॉट जे पी जी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्लाइडर टू डॉट जे पी जी, और ये स्लाइडर थ्री के लिए ठीक इमेज लग रही है, सेव इमेज एज, ग्रीन से मैच भी कर रही है, इसलिए इसको मैं स्लाइडर थ्री बना दूंगा। तो मैं अभी यहाँ पर इसको स्लाइडर थ्री बना देता हूँ, स्लाइडर थ्री डॉट जे पी जी, और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, ये जो अनस्प्लैश वाले मेरे लिंक्स हैं इनको मैं स्लाइडर वन स्लाइडर टू स्लाइडर थ्री करके मैं इनको ले लूँगा। ठीक है, इतना ही करने से जब मैं रिलोड करूँगा इसको, तो देखो ये सारे इमेजेस तो बड़े आराम से डाउनलोड हो जा रहे हैं, मेन ओवरहेड इनका ही था। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको अनस्प्लैश से डायरेक्टली लिंक रहने देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्टली अनस्प्लैश से लिंक रहने दूँगा तो एक मुझे फ़ायदा मिलेगा वहाँ पर। क्या फ़ायदा मिलेगा? ये फ़ायदा मिलेगा मुझे कि जो मेरी इमेजेस हैं वो रिलेटेड रहेंगी कैटेगरीज से। तो मैं यहाँ पर ये अनस्प्लैश API का जो है और उसको अनप्लग मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली अनस्प्लैश API का यूज़ कर रहा हूँ। तो उतनी स्लो ये नहीं है, और इनफैक्ट मेरा इंटरनेट कनेक्शन है जो कि इसको स्लो बना रहा है, वैसे ये बिल्कुल ठीक ठाक फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अभी ग्रीन कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और ये वेबसाइट यार बड़ी धांसू बन गई, देखो नो नोटिफिकेशंस और ये, और मतलब पता चल रहा है कि भाई हाँ एक मतलब फोरम है जहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा टेक्स्ट से रिलेटेड, सारे की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और ये कार्ड्स वगैरह भी बड़े मज़ेदार लग रहे हैं। तो यार मतलब अच्छा है यार, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, ऐसे डाउनलोड्स जो है वो एक थ्रेड पेज बनाएंगे, जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में भी कि एक थ्रेड पेज हमें बनाना ज़रूरी है। वो थ्रेड पेज क्या करेगा, यहाँ पर देखो आप लोग, मैं इसको अगर कुछ इस तरह से करूँ, मैं यहाँ पर जो मेरा थ्रेड है उसको खोलूँ, तो threads.php मैंने यहाँ पर लिख दिया है। threads.php क्या करेगा, एक कैटेगरी से रिलेटेड सारे के सारे थ्रेड्स दिखाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बूटस्ट्रैप कंपोनेंट खोजूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर threads.php लिख देता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए। threads.php लिखने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हेडर और फुटर ये सब चीज़ें भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा, लेकिन हेडर के अंदर ही मैं चाहता हूँ कि मेरी ये चीज़ अगर ऐड हो जाए तो सही रहेगा। लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं कि एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट लगा लेते हैं सिंपल सी बूटस्ट्रैप की। तो मैं इसको पूरे को कॉपी करके थ्रेड्स में डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, इंडेक्स को पूरे को कॉपी करके थ्रेड्स में डाल दिया, और इसकी जो बॉडी थी, इसकी जो बॉडी थी उसके अंदर का जो कॉन्टेंट था यानी कि कंटेनर, उसको मैं खाली कर ले रहा हूँ। ठीक है, कंटेनर को कर दिया खाली मैंने, और ये जो मेरी कैराउजल थी यानी कि मेरा जो स्लाइडर था उसको भी हटा दिया मैंने। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बचती हैं, एक तो हेडर बचता है, एक DB कनेक्ट बचता है, और एक कंटेनर बचता है जो कि अभी खाली है। ठीक है, तो मैं इसको रिलोड करूँ तो अब ये ऐसा दिख रहा है। मैं जाऊँगा getbootstrap.com पर, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, तो कंपोनेंट के अंदर जाकर अगर मुझे कोई ढंग की चीज़ मिलती है तो मैं यहाँ पर जो है कुछ एक्सेस करूँगा। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर कि एक जम्बोट्रॉन यूज़ कर लेता हूँ, या फिर कोई ब्रैडक्रम यूज़ कर लेता हूँ, देखता हूँ मैं क्या यूज़ करूँ। मैं जम्बोट्रॉन यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए, तो मेरी जम्बोट्रॉन यहाँ पर है, ये यूज़ कर लेता हूँ जम्बोट्रॉन। मैं यहाँ पर लिखूँगा जम्बोट्रॉन के अंदर कि भाई देखो ऐसा ये मेरा एक कैटेगरी है मेरी, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा
कि वेलकम टू, मान लो पाइथन फोरम्स, ठीक है, और यहाँ पर पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएगा इसका, पाइथन वाला जो था मेरा। तो मैंने यहाँ पर इसको डेटाबेस में थोड़ा चेंज कर दिया था, तो मैंने यहाँ पर लिखा रिएक्ट इज़ ऑसम बट पाइथन इज़, उप्स, इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ मैं, और एम्फसाइज कोड रीडेबिलिटी विद इट्स नोटेबल यूज़, ठीक है, ऐसे मैं लिख देता हूँ उसको। और मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर दिस फोरम इज़ फॉर शेयरिंग नॉलेज विथ ईच अदर, दिस इज़ अ पीयर टू पीयर फोरम फॉर शेयरिंग नॉलेज विद ईच अदर, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया कि एक पीयर टू पीयर फोरम है, और यहाँ पर जो है आप लोग अपनी जानकारी जो है शेयर कर सकते हो, तो वेलकम टू पाइथन फोरम्स। तो उसके बाद नीचे ब्राउज टॉपिक्स लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब ब्राउज टॉपिक्स लिखने के बाद एक मैं कार्ड बना दूंगा जिसमें कि एक इमेज रहेगी यहाँ पर, और उसके बाद जिस बंदे ने पूछा है वो, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन के बाद नीचे उसका जो क्वेश्चन के कुछ टेक्स्ट है वो रहेंगे, कितने लोगों ने उसको आंसर किया है, कुछ उस टाइप से मैं मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या करेंगे, एक और कंटेनर बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिव डॉट कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर के अंदर मैं डाल दूंगा कुछ, सबसे पहले तो एक H1 मैं कहूँगा कि ब्राउज क्वेश्चंस, ठीक है। ब्राउज क्वेश्चन करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, एक तो फॉर लूप लगेगा ही लगेगा, सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, तो अभी देखते हैं कैसा लग रहा है ब्राउज क्वेश्चंस। और उसके बाद नीचे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं रखूँगा। तो क्या कोई बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, और यहाँ पर बस मैं ये देख रहा हूँ कि क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है। कोलैप्स तो यूज़ किया जा नहीं सकता, यहाँ पर कोलैप्स का कोई काम नहीं है, ड्रॉप डाउन्स का कोई काम नहीं है, फॉर्म्स का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मीडिया ऑब्जेक्ट देखता हूँ, मीडिया ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, देखो यार यहाँ पर मिला ना कुछ, मिला हाँ, मीडिया ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। तो इसे मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मीडिया ऑब्जेक्ट एक लगा दूंगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है कि ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज आ जाएगा, और इमेज को अनस्प्लैश से ही ले लेते हैं यूज़र डिफ़ॉल्ट करके, ठीक है, या फिर एक फॉन्ट ऑसम करके लाइब्रेरी होती है वो यूज़ कर लेंगे हम लोग, वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट यूज़र की इमेज डाउनलोड कर लेंगे। तो कुछ भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम करो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एक, मैं आप लोगों को यूज़र डिफ़ॉल्ट इमेज डाउनलोड करवाता हूँ, PNG लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह की कोई इमेज डाउनलोड कर लेंगे हम लोग, यूज़र डिफ़ॉल्ट इमेज इंटरनेट से, और एक बार ये डाउनलोड हो जाती है तो इसको सेव इमेज एज करता हूँ, और इसको यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट PNG के नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने IMG फोल्डर के अंदर इसको सेव किया है, यूज़र डिफ़ॉल्ट डॉट PNG। तो मैं यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में लिख दूंगा src इज इक्वल टू img/user/default.png, ठीक है, img/user/default.png। ये करने के बाद मैं इसको रिलोड करूँगा, और रिलोड करने के बाद देखो ये कितनी बड़ी हो गई है, मैं नहीं चाहता कि ये इतनी बड़ी हो इमेज। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को या तो विड्थ हाइट दे दूँगा यहीं से, तो अगर मैं यहाँ पर इसको विड्थ इज इक्वल टू दे दूँ 34 पिक्सल, इस तरह से रिलोड करूँ, तो देखो काफ़ी छोटी हो गई है, और अभी के लिए इतना रखते हैं, कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग नहीं करनी है अभी, अभी नहीं करनी है, बाद में देख लेंगे। 54 करूँ तो शायद थोड़ा बड़ा हो जाइए, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया, देखो यहाँ पर एक इमेज है, और यहाँ पर जिसने क्वेश्चन पूछा है उसका नाम रहेगा या कुछ रहेगा, और यहाँ पर उसके बाद रहेगा कि भाई वो क्या, उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसने कहा यार मेरे को यार एक दिक्कत आ रही है, पता है क्या दिक्कत आ रही है यार, कि ना यार मेरा ना वो नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, पाई ऑडियो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, अनेबल टू इंस्टॉल पाई ऑडियो एरर इन विंडोज, ठीक है। मान लो इस तरह से एक क्वेश्चन है, और उसके बाद यहाँ पर वो अपना बंदा बताएगा कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, मेरा पाई ऑडियो इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, मुझे कोई ऊपर वाले के लिए प्लीज़ मदद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं MY3 दे देता हूँ, ताकि मैं अगर बहुत सारे कार्ड्स बनाऊँ यहाँ पर तो थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे स्पेस रहे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे ये मीडिया है इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारे पेस्ट कर देता हूँ ये, ठीक है, सेव कर दूंगा इसको। और देखो यहाँ पर जब बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है, और ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिखेंगे, और बाद में हम इन्हीं क्वेश्चंस को और
थोड़ा सा इसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दो। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं कि वे अनेबल टू इंस्टॉल पाई ऑडियो, किसी का कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, हो सकता है किसी का कुछ और क्वेश्चन हो। जो ये ब्राउज टॉपिक्स मैंने लिखा हुआ है, कहाँ गया ब्राउज क्वेश्चंस, इसमें मैं क्लास ऐड करना चाहता हूँ और वो मैं py2 ऐड करना चाहता हूँ। मैं वाई में थोड़ी पैडिंग देना चाहता हूँ, तो ये जो वाई में इसकी स्पेसिंग है ना थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ब्राउज क्वेश्चंस के थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस, तो वो स्पेसिंग में थोड़ी सी मेंटेन करना चाहता था। तो वेलकम टू पाइथन क्वेश्चंस, और यहाँ पर पाइथन के बारे में आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक नोटिस आ जाएगा कि भाई एक पीयर टू पीयर कम्युनिटी है, किसी को मतलब फोरम्स में किसी को गाली वाली मत दे देना, लड़ना वड़ना मत किसी से, फोरम रूल्स कहीं से देखते हैं कोई रूल, नो एडवर्टाइजिंग स्पैमिंग। मैं ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं आलसी हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और पूरा नहीं करूँगा कॉपी, थोड़ा सा करूँगा इसमें से। सेल्फ प्रमोट इन द फोरम इज़ नॉट अलाउड, फोरम्स इज नॉट अलाउड, और ये नहीं कि आप नीचे लिखने लग जाओगे भाई मेरा गेमिंग का चैनल है, मैं पबजी खेलता हूँ इसमें, नहीं, ये यहाँ पर टैग का फोरम है आपका, पबजी आपकी पॉकेट में ही अच्छा लगता है, यहाँ पर प्रमोट मत करो उसको, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पर बताने के लिए लिख रहा हूँ ये, और यहाँ पर डू नॉट क्रॉस पोस्ट क्वेश्चंस, और ये देखता हूँ ये कितना कंटेंट है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा ये कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो मैं छोड़ दूंगा ऐसे इसको। तो यहाँ पर देखो दिस इज़ अ पीयर टू पीयर कम्युनिटी, और ये ऐसे करके सही लग रहा है वैसे, मैंने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया, थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया लगता है। और ये क्या है, सेल्फ रिमोट इन द फॉर्म इज नॉट अलाउड, डू नॉट PM यूजर्स आस्किंग फॉर हेल्प, ठीक है। नहीं यार ये तो कर सकते हो अगर कोई फीचर ऐसा है तो, रिमेन रिस्पेक्टफुल टू ऑफ अदर मेम्बर्स एट ऑल द टाइम्स, ठीक है चलेगा जी, हाँ सही है, इतने इतने रूल्स काफ़ी हैं, ठीक है। पीयर कम्युनिटी फॉर शेयरिंग नॉलेज विद ईच अदर, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, दिस इज़ अ पीयर टू पीयर फोरम, नो स्पैम, ऐसा लग रहा है मैं प्रोडक्शन एप्लीकेशन बना रहा हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए पता है, कुछ काम करो तो ऐसा करो कि भाई हाँ ये कोई यूज़ करने वाला है कल के कल ही, ये नहीं कि ऐसे कर लेंगे और ये हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये जो threads.php है इसके अंदर अभी पाइथन फोरम्स आ गए हैं और पाइथन के सारे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक question.php होगा, ठीक है। ये threads.php है, इसका नाम मैं threadlist.php रखना चाहता हूँ, क्योंकि threads.php अच्छा नहीं लग रहा है, थ्रेड लिस्ट, तो मैं इसको रीनेम करूंगा, उप्स, थ्रेड लिस्ट। और यहां पर भी मैं थ्रेड लिस्ट कर दूंगा, और उसके बाद thread.php क्या होगा, thread.php एक्चुअल क्वेश्चन होगा, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उससे रिलेटेड क्या होगा कि जो लोग आंसर करना चाहते हैं वो उनके बारे में सब कुछ लिखा होगा। तो वेलकम टू पाइथन फोरम्स, रिएक्ट इज़ ऑसम बट पाइथन, नहीं पता नहीं मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो आप अभी के लिए, लेकिन अभी तक हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है यार। देखो हमने होम पेज पर ये बना लिया और उसके बाद हमने इमेजेस को जो है डाउनलोड करके लगा दिया ताकि हमको जो है स्लोनेस ना मिले देखने को। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे के सारे इमेजेस डायनामिकली डाउनलोड हो रहे हैं एज ऑलवेज, और उसके बाद यहाँ पर हमने एक मॉडल बनाई, लॉग इन मॉडल, साइन अप मॉडल, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने जो है बना दी हैं। अनस्प्लैश जो है कभी कभी स्लो भी हो जाता है, देखो एक एक करके इमेज डाउनलोड कर रहा है, हालांकि यहाँ पर रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे इमेजेस बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में इसको दे दिए, और जबकि मैं इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो यूज़ कर रहा हूँ, तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन से कभी कभी अनस्प्लैश API जो है वो स्लो पड़ जाती है। तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि आप कोई API यूज़ ना करें इस तरह की, क्योंकि डेफिनेटली वो स्लो रहेगी थोड़ी सी, आपके यूज़र्स को शायद दिक्कत हो, लेकिन अगर आप लोग डाउनलोड करके रख लोगे एक फोल्डर में और वहाँ से सर्व करोगे इमेजेस या कोई भी स्टैटिक फाइल है तो वो थोड़ा बढ़िया रहेगा, ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या आने वाले वीडियोस में, जो थ्रेड थे मैंने जो thread.php बनाया था, threadlist.php जो मैंने बनाया था, मैंने यहाँ पर स्लैश फोरम लिखना भूल गया, फोरम threadlist.php के अंदर हम देखेंगे कि जो कैटेगरीज है उनको डायनामिकली कैसे डालना है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग जो है डेटाबेस से ला सकते हैं, इनके आंसर्स को डेटाबेस से कैसे ला सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक यूज़र को चांस देंगे कि वो लॉगिन करने के बाद इन फोरम्स पे पोस्ट कर सके। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना या क्लिक करके बुकमार्क या क्लिक करके सेव कर लेना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।